नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 1:59 तक रहेगी। आज अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। इसके अलावा आज श्री राधा अष्टमी मनाने का भी विधान है। आज पूरे दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:22 तक साध्य योग रहेगा। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:40 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 3 नवंबर को रात 10:06 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अक्टूबर की सुबह 6:32 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 अक्टूबर की सुबह 6:31 से सुबह 7:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 2 नवंबर की सुबह 6:34 से सुबह 7:44 तक और एक बार फिर सुबह 10:03 से दोपहर बाद 3:16 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अक्टूबर की सुबह 8:26 से दोपहर 1:46 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 अक्टूबर की दोपहर 2:12 से शाम 6:40 तक और एक बार फिर रात 8:36 से देर रात 3:28 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 14 नवंबर की सुबह 6:43 से सुबह 9:44 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी 25 अक्टूबर की दोपहर पहले 11:59 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:29 से दोपहर 2:54 तक। मुंबई दोपहर 1:49 से दोपहर बाद 3:16 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:30 से दोपहर 2:54 तक। लखनऊ दोपहर 1:15 से दोपहर 2:40 तक। भोपाल दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक। कोलकाता दोपहर 12:46 से दोपहर 2:12 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:49 से दोपहर बाद 3:15 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:21 से दोपहर 2:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वह शुभ दिशा है उत्तर। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात, रोज की तरह आज भी मेष राशि की।
मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होगी। आज आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। पिछले कुछ समय से आप जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आज खत्म होगा। परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। जीवनसाथी आज आपको नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी दे सकते हैं। जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। आज दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल रहेंगी। किसी पॉलिसी में पैसा लगाने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें या किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेंगे तो सारे काम बनेंगे। आज आपको निश्चित ही फायदा होगा। दूसरों से मदद की अपेक्षा न करके अपने काम पर ही विश्वास रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जिस नए काम की शुरुआत करने में आपको दिक्कतें आ रही थी, आज वे सुगमता से बनने शुरू हो जाएंगे। आज दिल के बजाय दिमाग से काम लेना जरूरी है। साझेदारी के काम में साझेदार की सलाह और अनुभव कई चीज़ों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज कामों में रुकावट आने की वजह से आपके मनोबल में कमी आ सकती है। इस समय धैर्य रखना जरूरी है। अपने सगे संबंधियों के साथ बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करें। आज जीवनसाथी से सलाह लेकर काम करना आपकी प्रगति के रास्तों को और अधिक सुगम बनाएगा। परिवार में माहौल खुशनुमा और उमंग भरा बना रहेगा। सेहत के लिहाज से आज आप तंदुरुस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज किसी भी महत्वपूर्ण काम को करते समय घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और आशीर्वाद जरूर लें। आपकी सफलता निश्चित है। कुछ समय से चल रही किसी समस्या का भी आज हल निकलेगा। आज आपके द्वारा बनाई गई कोई योजना आने वाले समय में फायदेमंद साबित होगी। पिताजी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए धन खर्च करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। व्यवसाय संबंधित गतिविधियों पर जो विचार चल रहा था, आज उन पर काम करना पड़ेगा। ऐसा करना फायदेमंद साबित होगा। कर्मचारी और सहयोगी भी अपनी पूर्ण क्षमता से सहयोग करेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को कोई लक्ष्य हासिल कर लेने से राहत मिलेगी। अपनी सकारात्मक सोच को सार्थक कामों में लगाएंगे तो आपकी रचनात्मक प्रतिभा सबके सामने खुल कर आएगी। लोगों के बीच आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आज घर पर किसी चीज़ की मरम्मत करानी पड़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। अपनी प्रतिभाओं को और अधिक बेहतर बनाएंगे। योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी अपनी ऊर्जा लगाएंगे। आप जिस काम के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थे वो काम आज पूरा होने वाला है। आज व्यस्तता भरी दिनचर्या से अपने परिवार के लिए समय निकालेंगे। सभी प्रसन्न नजर आएंगे। आज आप कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएंगे। आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज पिछले कुछ समय से आप जिस काम के प्रति अथक मेहनत कर रहे थे उसका उचित परिणाम मिलने ही वाला है। आज आपके अंदर कुछ अच्छे विचार आएंगे। ज़्यादा सोच विचार करने के बजाय काम को तुरंत करने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। माता पिता से आप मन में चल रही कुछ बातों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज जो भी मौका मिले उस पर ज़्यादा सोच विचार न करके तुरंत हासिल कर लेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। मेहनत की अधिकता रहेगी परंतु आने वाले समय में इसके उत्तम परिणाम हासिल होंगे। नौकरी कर रहे लोगों को किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी।
टेक्सटाइल का काम करने वालों को आज अच्छा लाभ होगा। समय का सदुपयोग करके ही आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने में कामयाब होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आपके लिए लाभदायक और खुशनुमा परिस्थितियां बन रही हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बनेगी। अपने महत्वपूर्ण काम दिन की शुरुआत में ही निपटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पारिवारिक गतिविधियों में भी आपका समय बीतने वाला है। आज आपकी किसी सफलता से जीवनसाथी तथा परिवारजनों को गर्व महसूस होगा। आपसी रिश्ते में और अधिक भावनात्मक मजबूती आएगी। लेखकों की कोई किताब आज पब्लिश हो सकती है, जिसको लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज बाहरी गतिविधियों के बजाय नज़दीकी संपर्कों को मजबूत करने में ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का दिन आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां बना रहा है। कोई फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए किए गए प्रयास आज सफल होंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का आज समाज में दबदबा बना रहेगा। इस राशि की महिलाएं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। अधिक लाभ होगा, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, सोच समझ कर ही अपना काम करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप जिंदगी को पूरी तरह जिएंगे। आज लंबे समय से कर्जा, आज से आखिरकार आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्त आज शाम को कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे। आज आप अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। माता पिता के साथ समय बिताएंगे, जिससे उन्हें प्रसन्नता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर माथा टेकें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप फालतू की बहस करने से बचेंगे तो आपका समय बचेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। मूलांक 2, आपके दैनिक कार्यों में बदलाव होंगे, जिससे आपका काम समय रहते पूरा हो जाएगा। मूलांक 3, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, साथ ही सेहत पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगी। मूलांक 4, आज किसी से भी बात करते समय अच्छी भाषा का प्रयोग करें। मूलांक 5, आज समाज में आपके कार्यों की वजह से सम्मान बढ़ जाएगा, आप गर्व महसूस करेंगे। मूलांक 6, संतान को अच्छी जॉब मिलने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। मूलांक 7, आज आप बेवजह अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, किसी काम में पूरे तन मन से लगे रहेंगे। मूलांक 8, बहुत दिनों से किसी से मिलने की ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। मूलांक 9, आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। मंदिर में या घर की किसी और जगह पर भी भगवान की मूर्ति किसी भी कभी भी इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि उसके पीछे का भाग यानी पीठ दिखाई दे। मूर्ति बिल्कुल सामने से दिखनी चाहिए। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 2 से अधिक मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा ये शुभ फलदायी नहीं होता। घर की 2 अलग-अलग जगहों पर 1 भगवान की 2 तस्वीर हो सकती है। इसके अलावा भगवान की ऐसी मूर्ति या तस्वीर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध की मुद्रा में हो, जिसमें भगवान का रौद्र रूप हो। हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद की मुद्रा वाली भगवान की मूर्तियां ही घर में लगानी चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खंडित मूर्तियों का तो तुरंत विसर्जन ही कर दें। वास्तुशास्त्र में इतनी चर्चा मंदिर में भगवान की मूर्तियों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज देर रात 1:59 तक रहेगी। आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है।
आज माताएं अपने बच्चों के सुखी जीवन, उनकी खुशहाली, लंबी आयु और उनके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के साथ ही करियर में सफलता के लिए व्रत करती हैं। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत लाभदायक रहता है। आज अहोई माता की पूजा की जाती है और पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम के समय तारों को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को अर्घ देकर भी व्रत खोलते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि आज रात चंद्रोदय का समय 11:44 पर है। तो ये थी चर्चा अहोई अष्टमी व्रत की, और अब बात करते हैं पूजा विधि की। आज स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखी रखे, स्वास्थ्य दें और सुखी रखे। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी बिछाएं और फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखिए। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में जमीन को गोबर से लीपकर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली, चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पुए रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठवारी भी कहते हैं। इसके बाद ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। अब दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता के अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ दें। बाकी पूजा में रखी चीज़ों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पुए या पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। इसके अलावा आज श्री राधाष्टमी मनाने का भी विधान है। आज के दिन को राधा जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन मथुरा के राधा कुंड में स्नान की परंपरा है। कहते हैं संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग विशेष तौर पर आज यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो ये थी चर्चा अहोई अष्टमी और राधाष्टमी के बारे में, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरे दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:22 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो साध्य योग अति उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 7:40 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के पोषण के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र के भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है। अतः इस नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं वे फलते फूलते जरूर हैं। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है
और अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग की बात करें तो ऐसे लोग धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांतिप्रिय और अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पीपल के पेड़ टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले साध्य योग और पुष्य नक्षत्र की, और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आपकी संतान को धन संबंधी परेशानी बनी रहती है तो आज अपनी संतान को 5 कौड़ियाँ दें और उनसे कहें कि वो इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा के बाद उन कौड़ियों को संभाल कर लाल कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लें। लेकिन अगर आपकी संतान ये सब ना करे तो उसकी जगह आप कौड़ियों की पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में लपेट कर अपने बच्चे को दीजिए और उनसे कहिए कि उन्हें संभाल कर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान की धन संबंधी परेशानी दूर होगी। अगर आप अपनी संतान का करियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज अहोई माता की पूजा के दौरान देवी माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही खीर का भोग लगाएं और अपने बच्चे के अच्छे करियर के लिए अहोई माता से प्रार्थना करें। भोग लगाने के बाद उस दूध चावल से बनी खीर को प्रसाद के रूप में अपने बच्चे को खिलाएं और देवी माँ को चढ़ाया हुआ फूल अपने बच्चे के हाथ में दे दें और उसे आज पूरा दिन रखने के लिए कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का करियर अच्छा बनेगा। अगर आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो आज अहोई माता को गुड़ का भोग लगाएं और अपनी संतान को गले में चांदी की चेन पहनने के लिए कहें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या खत्म होगी। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ संतान पाना चाहते हैं तो आज भोजपत्र पर अष्टगंध से या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से 201 बार संतान सुख पाने का यंत्र लिखें। यंत्र की फ़ोटो हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है। आज इन यंत्रों को बनाकर अपने पास रख लें। अब आने वाले रविवार से अगले 11 दिनों तक फिर से प्रतिदिन भोजपत्र या सफ़ेद कागज पर 201 बार ये यंत्र लिखें और जब 11वें दिन यंत्र लिख चुके तो शुरू से इकट्ठा किए गए सारे यंत्रों को इकट्ठा करके उनकी पूजा करें और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद उन्हें बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार ये खास उपाय करने से आपको एक सुंदर से स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपका बच्चा बहुत ज़िद्दी है और वो आपकी कोई बात नहीं मानता तो आज अहोई माता से प्रार्थना करें, उनकी विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद एक तांबे का सिक्का लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। आज के दिन ऐसा करने से बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। अगर आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है तो उसे इस सबसे छुटकारा दिलाने के लिए आज स्नान आदि के बाद अहोई माता की पूजा करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं, साथ ही संभव हो तो तांबे का सिक्का जल में प्रवाहित भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपका बच्चा धीरे धीरे करके गलत संगत से दूर हो जाएगा। अगर आपकी संतान अपने बिजनेस को लेकर उलझन में रहते हैं, आपका मन परेशान रहता है या बिजनेस बढ़ने को लेकर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आज एक चांदी का चंद्रमा लेकर उन्हें दें और उनसे कहें कि वो उस चांदी के चंद्रमा को अपने गले में पहन ले। अगर वो पहनना ना चाहें तो उसे अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान को बिजनेस से रिलेटेड नए आइडियाज़ आएंगे। अगर आपको अपने करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप उस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद भगवान शिव की उचित विधि से पूजा करें, साथ ही भगवान को जलाभिषेक करें और चंदन अर्पित करें, फिर हाथ जोड़कर भगवान से अपने करियर संबंधी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने करियर संबंधी परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपनी संतान के पारिवारिक जीवन में खुशियां बनाए रखना चाहते हैं
तो आज अहोई माता की पूजा के समय एक कटोरी में चावल भरकर रखें और उन चावलों के ऊपर एक रुपए का सिक्का रखें, फिर अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के बाद उन चावलों को रखें, सिक्के में को अपनी संतान को दे दें। आपको यह भी याद दिला दूं कि आज बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र है। जब बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो हमेशा सोने चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए, घर में उसकी वृद्धि होती है। जब बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र पड़े तो घर में लाजवंती यानी छुई मुई का पौधा लगाकर उसकी जड़ की बहुत संभाल कर पूजा करनी चाहिए ताकि जड़ को हानि ना हो। और जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र हो उस दिन सतावर का पौधा घर में लगाकर उसकी जड़ की भी पूजा करनी चाहिए। ये ध्यान रहे, ये तीनों उपाय अगर आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज अहोई अष्टमी व्रत, राधाअष्टमी व्रत के बारे में और आज के गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के बारे में। आज संतान प्राप्ति के लिए, उसकी खुशहाली के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए आपको किस प्रकार अहोई माता की पूजा करनी चाहिए, ढेर सा धन पाने के लिए किस प्रकार आपको गुरु पुष्यामृत नक्षत्र के दिन विशेष उपाय करने चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, जीवन साथी का पूरा लाभ मिलेगा। बी, नन्हे मेहमान के आगमन से ज्वाइंट फैमिली के लोगों में प्यार और स्नेह बढ़ेगा। सी, आज किसी काम को शुरू करने के लिए बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लेना लाभदायक होगा। डी, टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहे बिजनेसमैन आज ज़्यादा लाभ कमाएंगे। ई, धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ेगी, दोस्तों के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। एफ, आज के दिन दूसरों से तर्क वितर्क में न पड़े, अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, आज आपके मन में चल रही उथल पुथल को दूर करने के लिए माता का सपोर्ट मिलेगा। एच, किसी काम में की गई लगातार मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको मिलने के योग है। आई, काफ़ी समय बाद आज परिवार के साथ डिनर करेंगे जिससे दूरियां खत्म होंगी। जे, आज पिता की सेहत का ध्यान रखें, उनको हर किसी टेंशन से दूर रखने की कोशिश करें। के, आपको रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे। एल, किसी काम में मित्र की सहायता से आपका काम आसान हो जाएगा। एम, शिक्षकों को आज उनके काम के लिए सम्मान मिलेगा जिससे उनको हार्दिक प्रसन्नता होगी। एन, आज माता पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपको काम करने में आसानी होगी। ओ, सिविल इंजीनियर्स आज अपने सीनियर्स का दिया टारगेट समय से पूरा कर लेंगे। पी, घर के छोटे बच्चों को बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा जो उनके लिए कारगर साबित होगा। क्यू, आज आपको किसी से लेन देन के मामले में सतर्कता बरतनी होगी। आर, आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको गर्व महसूस होगा। एस, नए बिजनेस शुरू करने की योजना सफल रहेगी, आपका भी मन काम करने में लगेगा। टी, इंजीनियर्स आज नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, आगे उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। यू, आज आपका कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा, इससे आप रोका काम पूरा करेंगे। वी, सजावट का कारोबार कर रहे लोगों को किसी डील के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। डब्ल्यू, आज आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। एक्स, शिक्षक छात्रों को नए टॉपिक को समझाने के लिए उत्सुक रहेंगे, दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। वाई, आपके काम में सहयोगियों का साथ मिलेगा जिससे काम समय से पूरा हो जाएगा। जेड, आज नया सामान लेने का विचार घर वालों के साथ करेंगे, परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान कृष्ण के एक ऐसे अनोखे मंदिर के दर्शन जहाँ श्री कृष्ण के साथ राधा जी और रुक्मिणी जी
दोनों ही विराजमान हैं। ये मंदिर है मध्य प्रदेश के झांसी शहर में। यहाँ भगवान कृष्ण के एक ओर राधा जी का विग्रह तो दूसरी ओर रुक्मिणी जी का विग्रह सबको आकर्षित करता है। कहा जाता है कि सन 1780 में रानी लक्ष्मीबाई की सास माँ सक्कूबाई ने यह मंदिर बनवाया था। वैसे इस मंदिर को मुरली मनोहर के नाम से जाना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ राधा कृष्ण रुक्मिणी के दर्शन करने आते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेली में हृदय रेखा के बारे में। हमारे हाथों में बहुत सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो हमारे जन्म, आयु, भविष्य आदि के बारे में हमें बताती हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे हथेली में हृदय रेखा के बारे में। छोटी उंगली के नीचे से आरंभ होकर तर्जनी उंगली की तरफ बढ़ने वाली रेखा हृदय रेखा कहलाती है। हथेली में यह रेखा व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, संवेदनशीलता, स्वभाव, गुण अवगुण आदि की तरफ इशारा करती है। दिल की सेहत के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी इसी रेखा से पता चलता है। यदि ये रेखा नीचे की ओर थोड़ी झुकी हुई हो तो व्यक्ति को अंतर्मुखी, साहित्य, संगीत व कला प्रेमी बनाती है। ऊपर की ओर जाती हुई रेखा व्यक्ति के बहिर्मुखी व्यवहार, तकनीकी विद्या का जानकार व उसकी बुद्धिमत्ता की क्षमता को प्रकट करती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा हथेली में हृदय रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज देर रात 1:59 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 3:23 तक रहेगी। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद बच्चे को फल दें, फ्रूट। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।